बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र को उस समय सफलता मिली जब नगर के व्यस्ततम इलाके नया मोड़ के पास एक स्कॉर्पियो वाहन में 5 लोग सवार थे जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। इसकी सूचना पर मौके पर पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार में लोगों से पूछताछ करते हुए उनकी तलाशी ली तो एक शख्स के पास से पिस्टल बरामद हुआ, वहीं कई कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि सभी 5 अपराधी बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले हैं। ये सभी बिहार से 19 जनवरी को चास के लॉज में कमरा लेकर रह रहे थे। गुप्त सूचना मिली कि नया मोड़ के चाय दुकान के पास 4-5 लोग एक स्कॉर्पियो में बैठे हुए हैं और कुछ संदेहास्पद उन लोगों की गतिविधि है। इस सूचना के आलोक में थाना प्रभारी अपने टीम के साथ वहाँ सदर बल पहुँचे और पहुँचने के उपरांत उन लोगों के पास उनसे पहचान पूछी गई तो वो लोग पहचान को छुपाते हुए कुछ लोग भागने का प्रयास करने लगे। इस संबंध में उनको घेराबंदी करके उनको पकड़ा गया। पकड़ने के उपरांत तो जब उनकी बदन की तलाशी ले गई तो 2 लोगों के पास से कट्टा और पिस्टल बरामद किया गया है और उन लोगों को फिर थाना लाया। ये बाहर के अपराधी हैं जो आज बोकारो में थे? पूछताछ के दौरान इन लोगों से पता चला कि ये औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं और यहाँ किसी बड़े अपराध को कारित करने के उद्देश्य से जमा हुए थे और मौके की तलाश कर रहे थे कि आज मौका मिलेगा और हम लोग अपराध को करेंगे। कितने गिरफ्तारी हुई है? कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या सर किसी संगठन से जुड़े हुए हैं? अभी तक इस बात का कोई नहीं पता चल पाया है, लेकिन ये लोग एक साथ औरंगाबाद में 18 तारीख को एक मीटिंग किए थे अपने घर पे और वहाँ से उन्होंने योजना बनाकर यहाँ चास में एक जगदम्बा लॉज है जहाँ पर लोग रूम बुक किए और वहाँ पे रुके और कल दिन भर ये लोग बोकारो में अपने गाड़ी से और पैदल कहीं घूमे हैं। घूम कर ये लोग योजना बना रहे थे, इसी के तहत वहाँ नया मोड़ में भी इन लोग योजना के तहत वहाँ रुके हुए थे और जिसमें पुलिस को सूचना मिली और इन्हें गिरफ्तारी की। क्या सभी आरोपी गिरफ्तार हैं सर? हाँ, इसमें लगभग सभी आरोपी गिरफ्तार हैं और पूछताछ अभी कुछ बाकी, अनुसंधान बाकी है। अगर किसी का नाम आता है तो आगे भी किया। बोकारो पुलिस की बड़ी सफलता है कि बड़ी वारदात को अंजाम देने के निष्फल हो गए आरोपी। इस प्रकार से इनकी योजना थी, वो किसी बड़े अपराध को ही करने वाले थे, लेकिन पुलिस को तुरंत सूचना मिली और हम लोग की त्वरित कार्रवाई के उपरांत ये घटना कारित होने से हम लोग रोक पाए हैं। क्या किसी की हत्या के कारण? इन लोग जनरली के घर में घुसकर डकैती या चोरी से संबंधित कार्य करते हैं और उससे ही कार्य करने के लिए लोग जमा हुए थे। अन्य लोगों से पूछताछ फिलहाल जारी है। मुखर संवाद के लिए बोकारो से शशिकांत की रिपोर्ट। उस्ताद आपत में पड़ी है जान। उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से? अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।